गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल समझ आया क्या पे। दोस्तों मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज है। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड, लेकिन किस टॉपिक पे। एक्चुअली दोस्तों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप ही में से कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने मैसेजेस किए हैं टेरिटोरियल आर्मी की डेट, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भाई टेरिटोरियल आर्मी की डेट जो है वो आ चुकी है और स्टार्टिंग डेट भी बताई हुई है जो कि अगस्त है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसी स्टेट्स हैं। तकरीबन ये स्टेट और उनके स्क्रीनशॉट जहां पे ये डेट दी गई है वेबसाइट के साथ उन्होंने मुझे भेजे हैं, तो आज मैं इन्हीं डेट को आपको बताने वाला हूं कि ये जो डेट दी गई है क्या ये सही में है या फिर फेक है। और दूसरी बात ये कि आखिर, चलिए हम फेक या रियल तो इसे मान लेते हैं, अगर ये फेक निकलती है तो टेरिटोरियल आर्मी की जो रियल भर्ती है वो कब आने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, दसवीं पास भी और ग्रेजुएशन पास भी, और अगर ये रियल है या फेक है हम कैसे पहचाने कि ये जो इन वेबसाइट्स पे ये चीजें दी गई हैं आखिर ये रियल है या फेक है, या कैसे मतलब इस चीज का हमें जो पता है वो चल सकता है, तो इस मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं अब और अपना सवाल पूछ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का। बाकी हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम साजन एनालिसिस है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर में 29 अगस्त को है और पंजाब की भी आप इसी डेट के आसपास जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आपको किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है। सीधी सी बात बोलूंगा कि ये फेक हो सकता है। एक्चुअली क्या कहते हैं, वेबसाइट वाले ट्रैफिक पाने के लिए पहले ही अपडेट कर देते हैं पिछले साल के हिसाब से। यानी कि एक्चुअली क्या था, जब पिछले साल 2017 में वैकेंसी आई थी टेरिटोरियल आर्मी की, तो दोस्तों वो तकरीबन अगस्त में स्टार्ट हो गई थी, ऑल ओवर इंडिया के लिए नोटिफिकेशन आ गई थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो पिछले साल डेट थी वही 2018 की डेट कर देते हैं और लोग सोचते हैं वही आ जाएगी। ठीक है, और अगर तो नोटिफिकेशन आ जाती है उस टाइम तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो ये उसको चेंज कर देते हैं, बोल देते हैं एक्सटेंड है या अपडेट सून कर देते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों को किसी भी वेबसाइट पे इस तरह की डेट मिल रही है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आपकी स्टेट की इतनी तारीख एक्स वाई जेड कितनी भी डेट को है, तो आप लोग सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जो होती है उसे ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको उस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिल गई तो वेल एंड गुड, मतलब फिर तो 99% चांस है कि है। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं दे रहे, आपको नहीं बता रहे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका मतलब है उन्होंने कहीं से कॉपी किया हुआ है या पिछली वाली जो नोटिफिकेशन थी उसी में से डेट डाल दी है। देखो, आप भी जानते हो तकरीबन आज हमारे चैनल को 1.5 साल हो गए हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हम कर चुके हैं, इसके लिए तो शुक्रिया मैं आपको बोल दूं कि कभी भी आपने देखा मैंने कोई भी गवर्नमेंट जॉब बताई हो और बिना नोटिफिकेशन के बताई हो। दोस्तों जब भी गवर्नमेंट जॉब आती है नोटिफिकेशन के साथ आती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में तकरीबन आती है और फिर ही आगे जाके आप अप्लाई करते हो। तो वेबसाइट थर्ड पार्टी, कोई प्राइवेट बंदा वेबसाइट बना के वहां पे डेट डाल देता, आप कैसे भरोसा कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आप जो है इस पे भरोसा मत कीजिए। अगर आप भरोसा करना चाहते हैं, आप उसी सेंटर के नजदीक कहीं रहते हैं, तो एक बार ऐसे विजिट करके पहले पता कराइए कि सर है या नहीं है, या फिर अगर आपका कोई पर्सन है तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई अगर, चलिए इस सब टॉपिक को छोड़कर आप हमें ये बताइए कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती कब आएगी। देखो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी मुझे लग रहा है कि इस बार लेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो ग्रेजुएशन पास टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती थी जो हर साल आती है वो 1 जून को स्टार्ट होनी थी उसके ऑनलाइन फॉर्म, लेकिन अभी तक वो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं और जुलाई का महीना जो है आपको पता है कल से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि 1 महीना वो लेट हो चुकी है। तो मैंने देखा था उनकी वेबसाइट indianarmy.nic.in के, कि उन्होंने बोला हुआ है कि हम जल्दी से जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश करने वाले हैं, तो शायद जुलाई से करें, तो इस लिहाज से हो सकता है जो 10वीं पास वाली वैकेंसी हो वो भी 1 महीना और लेट हो जाए। पिछले साल ये अगस्त में तकरीबन आ गई थी 10वीं पास वाली, लेकिन इस बार मुझे लगता है शायद सितंबर, अक्टूबर या फिर लेट भी हो सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने ग्रेजुएशन वाली की है तो उस बेसिस पे हो सकता है 10th वाली भी कर दें। तो यही थी आज के वीडियो के टॉपिक की बातें जो आप सबको बताई हैं
कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी तरह के और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?